नमस्कार स्वागत है आपको हमारे चैनल जीत की पाठशाला में आज हम डिस्कस करेंगे एक और नेचुरल रीजन जो कि है मेडिटेरेनियन रीजन तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं दा मेडिटेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज जनरली प्रीवेल्ड इन द प्लेसेस लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टीनेंट्स एंड ऑल्सो इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल डिजर्ट रीजन तो मेडिटेनियन क्लाइमेट वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में और साथ ही जो ट्रॉपिकल डिजर्ट रीजन है उसका नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है दिस नेचुरल रीजन इज करेक्टराइज बाय हॉट एंड ड्राई सामर एंड कोल्ड एंड वेट विंटर और मेडिटेरेनियन रीजन में इसका जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ड्राई सामर और साथ ही कोल्ड एंड वेट विंटर होता है यानी कि सामर में क्या होगा हॉट होगा ड्राई होगा इतना रेनफॉल नहीं होगा लेकिन विंटर में क्या होगा कोल्ड होगा साथ ही वेट होगा यानी कि बारिश भी होता है वो कम विंटर सीजन में इट मीन्स दैट रेनफॉल ऑकर्स इन विंटर इन दिस रीजन इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि रेनफॉल मेडिटेन रीजन में विंटर सीजन में होता है द समर सीजन इज लिटिल लॉन्गर इन दिस रीजन और समर सीजन थोड़ा क्या होता है लंबे समय तक रहता है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ़ द होल ईयर इज एट डिग्री टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर जो है यहाँ का आठ डिग्री से लेकर पच्चीस डिग्री तक रहता है थ्रू आउट द ईयर अमाउंट ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल इज ट्वेंटी फाइव टू सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर और सालाना जो यहाँ का बारिश होता है और 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक एवरेज इसका रहता है द एवरग्रीन शॉर्ट ट्रीज एंड श्राफ्स आर द मेजर नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन और यहाँ पे ज़्यादातर जो पौधे पाए जाते हैं या फिर प्लांट पाए जाते हैं वो एवरग्रीन टाइप के रहते हैं और शॉर्ट रहते हैं प्लस श्राफ्स टाइप के पौधे भी यहाँ पे पाए जाते हैं ऐसा नेचुरल कंडीशन जनरली प्रिवियल इन दैरिफेल एरियज ऑफ द मेडिटेनियन सी इट इज नोन एज मेडिटेनियन रीजन और इसका जो नेचुरल कंडीशन है या फिर यहाँ के जो प्लांट होंगे या फिर यहाँ का टेम्परेचर जो हम लोग ने भी पढ़ा ये सारा जो मेडिटेन सी है उसके चलते वहाँ पर ऐसा रहता है जिसके चलते हम इसे मेडिटेन रीजन भी कहते हैं मेडिटेन रीजन का नाम मेडिटेन रीजन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे उसी नाम का यानी कि मेडिटेरेनियन सी भी मौजूद है और उसी के चलते वहाँ का जो वेदर एंड क्लाइमेट है वो फुल्ली डिपेंड है मेडिटेरेनियन रीजन इज लार्जली फॉर्म्ड बाय द नेबरिंग एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन सी इंक्लूडिंग साउदर्न यूरोप साउथ वेस्टर्न एशिया एंड नॉर्दर्न अफ्रीका और मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो बहुत सारे जगह मिलके हुआ है जैसे कि साउदर्न यूरोप वेस्टर्न एशिया और साथ ही नॉर्दर्न अफ्रीका बेसाइड्स द कोस्टल कैलिफोर्निया ऑफ नॉर्थ अमेरिका सेंट्रल चिली ऑफ साउथ अमेरिका कैप कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो बिलोंग टू द मेडिटेरेनियन नेचुरल रीजन तो हम लोगों ने पढ़ा कि साउदर्न यूरोप हुआ साउथ वेस्टर्न एशिया नॉर्दर्न अफ्रीका इसके साथ और भी इसके साथ और भी जगह जैसे कि कोस्टल एरिया जो कि कैलिफोर्निया का और साथ ही सेंट्रल चिली जो कि साउथ अमेरिका का कैप कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया सारे भी मेडिटेरेनियन रीजन में इंक्लूड है द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन इज एग्रीकल्चर और यहाँ के ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर रहते हैं डिपेंडिंग ऑन विंटर रेनफॉल एंड इरीगेशन फैसिलिटी वीट बार्ली मेज कॉटन टो एटसेट्रा मेनली कल्टिवेटेड इन द प्लेन्स दिस रीजन और जैसे हम कि हम लोगों ने पढ़ा कि मेडिटेन रीजन में विंटर का समय में बारिश होता है और यहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी जहां जहाँ मौजूद है हर जगह तो पॉसिबल नहीं है लेकिन जहां जहां इरीगेशन फैसिलिटी मौजूद है वहां पर उसी इरीगेशन फैसिलिटी का मदद लेते हुए व्हीट बार्ली मेज कॉटन टबेको का खेती भी किया जाता है ऑन द अदर एंड ए वेराइटी ऑफ फ्रूट्स इंक्लूडिंग ग्रेप्स एंड एप्पल्स आर कल्टिवेटेड ऑन द हिल स्लोप ऑफ द रीजन और जिस जिस जी जगह पे थोड़ा स्लोप है वहाँ पे ग्रेप्स एप्पल्स और बाकी फलों का खेती किया जाता है एक्सपोर्ट ऑफ वेरियस फूड आइटम्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फ्रूट्स टू डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज इज एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ़ दिस रीजन और वहाँ पे जितने भी फलों का खेती होता है उससे जो फूड आइटम प्रिपेयर होते हैं उस फूड आइटम को अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है मोर ओवर डिफरेंट ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन और वहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स पाए जाते हैं उससे वाइन का भी प्रिपेरेशन किया जाता है इन दिस वे दिस रीजन हैज बिकम वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स फ्रूट्स बेस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इसी के चलते यानी कि वहाँ पे जितने भी फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम बना के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है और उसी के चलते मेडिटेरेनियन रीजन वर्ल्ड फेमस भी है इसका जो फ्रूट बेस्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसके लिए दैट इज वाई दिस इंटायर रीजन इज इकोनॉमिकली वेरी एडवांस और उस एक्सपोर्ट के चलते क्या हुआ ये सारा जो रीजन है यानी कि मेडिटेरेनियन रीजन और बहुत ही इकोनॉमिकली डेवलप है यानी कि एडवांस है प्रीवेलेंस ऑफ माइल्ड क्लाइमेट एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, इट इज समॉट डेंसली पॉपुलेटेड मेडिटेरेनियन रीजन का जो क्लाइमेट है या फिर इन्वायरमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है जिसके चलते डेंसली पॉपुलेटेड भी है यानी कि यहाँ पॉपुलेशन थोड़ा क्या है डेंस है घना है तो इसी के साथ छोटा सा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला